सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। राजनेताओं का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है राजनीति के दिग्गजों। आज की पीआईटी हैं अंजना कश्यप, अशोक सिंघल और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी, पहचान क्या है आपकी? संघ का स्वयंसेवक, बिजनेस पर्सन, पॉलिटिशियन या फ्लाईओवर मिनिस्टर? ये तो पहचान तो मेरी बहुत है, जितने आपने कहा उतने सब। केवल बिजनेस पर्सन मैं नहीं हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं आपके नाम। एक भी कंपनी नहीं है। कब तक थी ये आपके कंपनी में? डायरेक्टर नहीं, और मेरे केवल 10 रुपए के 300 शेयर, यानी 3000 रुपए का शेयर है। ये सब कब छोड़ा आपने? नहीं, बहुत पहले से नहीं, जब कंपनी बनी तब तक भी, जब था तब भी मेरे 3000 रुपए के शेयर थे, और अभी भी तो कोई कंपनी में डायरेक्टर हुई नहीं गई। लोग, पार्टी के लोग तो कहते थे आप नेता कम बिजनेसमैन ज्यादा हैं, आपकी पार्टी के लोग ही बोलते थे, ये आरोप लगता था आपके ऊपर। देखो, इतने इमेज वर्सेस रियलिटी है। आप तो शोध पत्रकारिता करते हैं, अब आप एक काम करिए कि मेरी कितनी कंपनी है, कितना शेयर होल्डिंग है, कितने जगह में डायरेक्टर है, आप डिक्लेयर कर दीजिए। फिर कहा है, एक बार फिर कहा है, और इस बार कहा है आप ही के एनडीए के साथी ने। साफ साफ उनका आपको बता देती हूँ, 6 मार्च तारीख है। कहते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह गडकरी आए हैमलेट को बजाने, राज ठाकरे का जिक्र कर रहे थे, और फिर नीचे लिखते हैं कि जब नापने के पैमाने पर डाला गया तो फायदा और सारा सामान ले गया बिजनेसमैन यानी ट्रेडर। किसके बारे में कह रहे थे उद्धव ठाकरे? मुझे नहीं पता। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करता हूँ। कोऑपरेटिव में एक स्टोर चलता है जिसके 6000 लोग शेयर होल्डर है, उसमें मेरा केवल 3000 रुपये का शेयर है, जो पूर्ति सुपर बाजार करके चलता है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, जो एनजीओ का है, जहाँ 3 चेक डैम बनाए। मैं गढ़चिरौली जिले के नक्सलाइट बेल्ट में 550 एकल विद्यालय चलाता हूँ, जिसको यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ ने पहला पुरस्कार दिया है महाराष्ट्र में, और जिसके 650 टीचर नक्सलाइट बेल्ट में काम करते हैं। कोई सरकारी अनुदान नहीं, वो सेवा के रूप में, ट्रस्ट के रूप में चलता है। विदर्भ में 22 शुगर फैक्ट्री खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, दिवाला पिट चुका है। मैंने विदर्भ के किसानों की आत्महत्या बचाने के लिए, सब ठीक है नितिन जी, लेकिन आपके बारे में ये क्यों कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स की बातें कम करते हैं? कोई भी आपसे मिलने आता है या पार्टी में, सब तंग हो गए थे आपसे, आपकी दिनचर्या आपने नेताओं की दिल्ली आकर के बदल दी। आप मीटिंगें रात को बुलाते थे, जबकि ये दिल्ली और मुंबई की कल्चर का एकदम अंतर है। सब नेता आपसे परेशान थे पार्टी के। एक बात सच है कि मैं राजनीति की और सत्ता के राजनीति की बात कम करता हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ, गरीबी दूर करने की बात करता हूँ, बेरोजगारों को रोजगार को देने की बात करता हूँ। देखो, मैं बिजनेसमैन होता तो आपको शायद पता नहीं, मेरे आईक्यू की कीमत 200 करोड़ रुपये महीने की है। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र पॉलिटिशियन ऐसा हूँ जिसने 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े किए, सरकार में मंत्री होने के नाते। मैं एकमात्र पॉलिटिशियन जो 3600 करोड़ का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो लोवेस्ट स्टैंडर्ड था, रिजेक्ट किया, वो 1600 करोड़ में 2000 करोड़ बचा। नितिन जी, आपके बारे में आरोप लगता है कि आप कोई भी आता है पॉलिटिक्स की बात करने, आप गिनाने लग जाते हैं तमाम नफा नुकसान, बिजनेस इसी से परेशान हो गए। मीटिंग है, आप बिजनेसमैनों की तरह मीटिंग बुलाते हैं। अर्थ होता है जहाँ पूंजी डालकर जो व्यक्ति नफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। न मैंने कोई नफा कमाया, न मैंने कोई नफा कमाने के लिए काम करता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, मैं टेक्नोलॉजी गांव में ले जाकर लोगों को उनके काम पर खड़ा करके उनको रोजगार देता हूँ। मैं किसानों के खेत में पानी पहुँचाता हूँ। मैं आत्महत्या करने वाले किसानों की जान बचाता हूँ। मैं 6000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज करा देता हूँ। मैं 52000 लोगों को चश्मे दे चुका हूँ। 192000 लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप कर चुका हूँ। 6.5 से एकल विद्यालय चला दो। अगर इसको आप बिजनेस कहोगे तो मैं बिल्डर डेवलपर नहीं हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर। पार्टी के नेताओं को क्यों तंग करते थे आप? रात भर जगाते रहते थे, इसलिए ये बात दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनने थी आपको? ये बात जरूरी है, सही है कि मैं रात को 10 बजे के बाद सीरियस मीटिंग शुरू करता था, और 2 बजे तक, मुझे 2-2.5 बजे तक काम करता था, ये मेरी आदत। ये पूर्ति ग्रुप में जो ड्राइवर डायरेक्टर था, इसके बारे में बताएंगे जरा? कोई ड्राइवर डायरेक्टर नहीं था। ये मनोहर पांसे, ये विष्णु शर्मा, ये लोग जो डायरेक्टर बनाए गए थे पूर्ति इंडस्ट्री में, शेयर होल्डर्स थे, कौन थे ये लोग ड्राइवर? पहली बात तो ऐसी है कि ये कोई भी कंपनी में, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, और मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो कंपनी है, हमारे कंपनी में 22 डायरेक्टर थे, उसमें से मेहता करके ग्रुप है, मनीष मेहता, उनके साथ जो कंपनियाँ थी उसमें उनके पास ये डायरेक्टर थे। पर पॉलीसैक इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी है? पॉलीसैक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी है? वो उसके भी कम से कम 6000 शेयर होल्डर्स हैं,
और उन्होंने कोऑपरेटिव में काम शुरू किया था। निखिल फर्नीचर एंड अप्लायंसेस किसकी है ये? निखिल फर्नीचर अप्लायंसेस में जब लॉ कॉलेज में स्टूडेंट था तब मैंने फर्नीचर का व्यवसाय करता था, इसलिए वो कंपनी मैंने शुरू की थी। इंप्रेस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव पेपर मिल किसकी है? टाटा की है, जो सरकार ने टेक ओवर की थी और मजदूरों की सोसाइटी बनाकर ये चलाने का उपक्रम किया था। अंत्योदय ट्रस्ट किसका है? अंत्योदय ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष था। आप सब चीज थे, स्वयंसेवक थे या स्वयंसेवक हैं? स्वयंसेवक था, स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक रहूँगा। और आप जितने कंपनियों में बता रहे हैं उसमें एक भी कंपनी में एक भी गलत काम नहीं किया है। आज समाज में काम करने के लिए कहीं कोऑपरेटिव संस्था बनती है, कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट बनता है, कोई एनजीओ करके रजिस्टर होता है, ये काम करना है, इसको प्रॉफिट में। नितिन जी, पूर्ति मामले में पार्टी ने दोबारा आपको अध्यक्ष क्यों नहीं बनने दिया? आपकी पार्टी ही आपके खिलाफ खड़ी हो गई, उसमें तो हम पार्टी के नेता थे पूर्ति के मामले को लेकर। पहली बात तो ऐसी है कि आपसे लेकर सब दुनिया के जितने मीडिया एक हो जाओ, जितना आपने दिखाया वो पूरा एक हो जाओ, सवा साल से मेरे ऊपर एक नोटिस नहीं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। 22 जनवरी 2013 आईटी का रेड क्यों हुआ था फिर? वो आईटी का ये जानबूझकर पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी में, जहाँ इनकम नहीं था वहाँ इनकम टैक्स लगेगा कैसे? वो पूरा लॉस मेकिंग था क्योंकि शुगर फैक्ट्री पूरी इसमें थी। और दूसरी बात, जो भी इनकम में जो कुछ हुआ है उसमें से मेरे ऊपर एक पैसे का कोई नोटिस नहीं है, मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं, मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी। नितिन जी अचानक कैसे गायब हो गया वो, जब आया आपका दोबारा अध्यक्ष बनने का मामला? मैंने मुझे कोई अध्यक्ष बनने से रोका नहीं, जब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे और जब आरोप मीडिया बार बार दिखाने लगी, आपको सोचना है कि आप क्यों दिखा रहे थे? आप मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने खुद होकर कहा कि मुझे अध्यक्ष अगर आरोप है जब तक मैं इससे बाहर नहीं आऊंगा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, इसलिए मैंने। और ये भी कहा कि साफ होने के बाद दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। राजनाथ सिंह ने भी जिस दिन टेक ओवर किया, राजनाथ सिंह का यह बयान था, मैं मौजूद था वहां पे, कि नितिन गडकरी की यह कुर्सी है, जब पाक साफ हो जाएंगे तो दोबारा अध्यक्ष की कुर्सी उनको सौंपी जाएगी। आपने भी कहा था कि मैं लौटूंगा दोबारा से अध्यक्ष, तो कब लौट रहे हैं? क्यों नहीं दोबारा कुर्सी दी गई पार्टी की ओर से, अगर आप ईमानदार थे? पहली बात तो ऐसी है कि मैं ईमानदार हूं और दुनिया में मैं सबको चैलेंज करता हूं कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, कोई भ्रष्टाचार किया है तो मैं उसको भुगतने के लिए अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया पार्टी ने? पहली बात तो ऐसी है कि झूठे आरोप लगे हैं और झूठे आरोप आज पर सब पे लगते हैं, और झूठे आरोप लगने के कारण मेरे कारण जब पार्टी अड़चन में आई तब मैंने तय किया कि जब तक ये सिद्ध नहीं होता तब तक मैं पद ले लूंगा पार्टी के लोगों की। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब दे देता हूं, अब मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। 3 साल मैंने अध्यक्ष करके अच्छा काम किया, अब पार्टी का कार्यकर्ता करके काम करूंगा। लेकिन पॉलिटिक्स में है क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की, पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं राजनीति की परिभाषा को बदलना चाहता हूँ। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, गरीबों के अश्रु पूछना, समाज के लिए काम करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, खेती को पानी देना और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, ये राजनीति का अर्थ है। और मैं ये राजकारण समाजकारण के रूप में करना चाहता हूँ। मैं केवल अपने फोटो चिपका कर, कटआउट लगा कर और किसी के गले में हार डालकर और बायोडाटा लेकर कभी घुमा नहीं हूँ। जिस तरीके से कोऑपरेटिव चलती है महाराष्ट्र में और जिस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के नाम वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से ये कहीं छुपा हुआ नहीं है, उसकी एक फेरिस्त है। आपको एक हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे उसको दिखला भी देंगे हम। आपको एक बात बताऊं, मैं जिस कोऑपरेटिव में काम करता हूं उसको ए दर्जा है, पूर्ति कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी जो है सेंट्रल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी, उसको महाराष्ट्र सरकार के ऑडिट का ए दर्जा है। दूसरी, उसको इस साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उसका 15 करोड़ का टर्नओवर है और वो कोऑपरेटिव शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है और वो नागपुर में एक विश्वसनीय ऐसा स्टोर है कि जहाँ आईएएस ऑफिसर से लेकर पुलिस ऑफिसर से लेकर सब कंज्यूमर बड़े बड़े लोग वहाँ खरीदने। नितिन गडकरी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 22 जनवरी को आपके ऊपर आईटी के रेड्स होते हैं जिसके बाद जो सेकेंड टर्म आपको मिलना था वो हाथ से निकल जाता है 24 जनवरी 2013, ठीक 2 दिन बाद, आप इनकम टैक्स के अधिकारियों को थ्रेटन करते हैं। पहली बात तो आप एक सुधार लीजिए कि मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, जिस कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ, एक भी कंपनी पर ना रेड हुआ, ना सर्वे हुआ, ना सर्च हुआ। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ गलत बताया गया, जो कंपनियों पर रेड मारा गया उस कंपनियों से मेरा कोई संबंध नहीं था, वो कंपनी मेरी नहीं थी, मेरा उसमें शेयर होल्डिंग नहीं था। और मेरा संबंध पहली बात तो आप सारा गलत बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा आप जरा समझ लीजिए और वो सिद्ध हुआ मेरी बात को। आज 1.25 साल हुए, कोई मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कहा था तब मैंने? ये क्या कहा था इनकम टैक्स के अधिकारियों को? जब मैंने कहा कि राजनीतिक दबाव में अगर आप किसी के ऊपर अगर कार्रवाई करोगे तो ये कानून के अनुसार उचित नहीं है। आज सरकार एक का है, कल दूसरे का आ सकता है।
और इसलिए अगर फिर आपको अगर गलत काम करोगे तो उसके परिणाम फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। क्या परिणाम? तो इसको अरे मेरे ऊपर गलत कार्रवाई की, इससे ज्यादा बड़ी धमकी क्या है गडकरी साहब? ये तो आप सरकारी नौकरों में आपको पूछता हूँ, एक पत्रकार के नाते आप उनकी बात करो, मैं आपको पूछना, तो मुझे आप न्याय दो। मेरे ऊपर आप गलत आरोप लगाते हैं, मेरे ऊपर गलत रेड मारते हैं, मेरे ऊपर कुछ आपके हाथ में मिलता नहीं, मेरे ऊपर आपका एक भी एक्ट लगता नहीं, मेरे ऊपर एक भी इंक्वायरी नहीं, और ऊपर से आप मुझे कहोगे कि मैंने क्या केवल सहन करना चाहिए? अन्य तो आपके नेताओं ने कराया, ये तो आपकी की पार्टी के नेताओं ने कराया। कौन है वो सरकार? ये तो आप जानते हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने कराया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि रेड नेता नहीं मारते, रेड डिपार्टमेंट मारता है। कार्रवाई किसने की? रेड डिपार्टमेंट पार्टी के लोग। क्या प्रूफ है आपके पास? कोई प्रकार के सरकारी कार्रवाई होती है वो सरकारी अधिकारी करता है। मुंबई में जिन कंपनियों पर रेड सर्वे सर जो भी कुछ हुआ होगा वो सरकार के अधिकारी के आदेशों के अनुसार हुआ है, और जो कंपनी में किया उस एक भी कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं, मेरी कोई इंक्वायरी नहीं, मेरे पास कुछ पेंडिंग। अचानक गायब कहाँ हो गई जांच? कहाँ मामला चला गया? आपके अध्यक्ष पद से हटते ही मामला ही खत्म हो गया नितिन जी। आप सही मुद्दे पे आए, तो फिर आपकी पार्टी के लोग शामिल थे ना इसका मतलब? देखो पार्टी के लोग कैसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला दिया, ये तो आरोप लगते रहे। पहली बात ऐसी है कि रेड मारने का, सर्वे करने का, सर्च करने का अधिकार सरकारी अधिकारियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। और दूसरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आदेश पर चलता नहीं। अडवाणी क्यों नाराज रहते थे आपसे? क्योंकि आपने हाशी पे लगा दिया था अडवाणी को अध्यक्ष बनते ही। ना अडवाणी जी को मैंने कभी नाराज किया, ना जेटली जी को नाराज किया, ना मेरे पार्टी से किसी नेता के साथ कोई झगड़ा है, ना कोई विवाद है। आप जैसे शख्स पर इनकम टैक्स रेड हो जाती है, जो शख्स कहता है चार काम आप मेरे कीजिए, चार काम हम आपके करेंगे। पहली बात तो ऐसी कि मेरे जैसे जब राजनीति में जब होते हैं, मेरे जैसे शख्स पर इनकम टैक्स की कोई रेड नहीं पड़े। आप क्यों झूठा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो? मेरे को पढ़ा ही नहीं है ना। जो रेड जहाँ पड़ी उस कंपनी का देखो, ये साजिश है, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। मैं अध्यक्ष का फॉर्म भरने के पहले एक दिन जिन कंपनी का सर्वे सर्च और रेट जो भी है पड़ा था मुंबई में, उस कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है, और 1.25 साल हो गया, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं, अगर होगा तो आप दिखा दो। शरद पवार से कोई संबंध आपके? शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत कद्दावर नेता है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में, मैं बीजेपी में हूँ। उनके उम्मीदवारों का मैं विरोध करता हूँ, उनके उम्मीदवारों का मैं विरोध करता हूँ। जब वो विधानसभा में, तो अनेक बार मेरा उनका झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है। तो उनके चार काम आप क्यों करते थे और आपके चार काम वो क्यों करते थे, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? किसने कहा? मैंने कहा बयान? आपका एक बयान बताओ, कौन से जगह पेपर में है आपका ये? आप दूसरे ने बताया हुआ बेबुनियाद बयान मेरे मुंह पे डाल रहे हैं। किसका बयान है मुझे मालूम है, मैंने बताया बयान बता नितिन जी उस टाइम आपने कहा था हार जाऊंगा स्क्रीन पर बता देना कि मैं चार काम आपके करूंगा, आप मेरे चार काम कहा होगा तो मैं हार जाऊंगा, दिखा दो आप बयान। चार नहीं, दो थे क्या? कुछ काम नहीं थे? देखो क्या होता है, कहा क्या था आपने? देखो कोई तो भी गैर जिम्मेदार लोग कुछ भी स्टेटमेंट करते रहते हैं, अंजलि दमानिया का जिक्र कर आप आधार मानकर बात करते हो, ऐसा नहीं है। नहीं है, पहली बात देखो, शरद पवार देश के कृषि मंत्री है, मैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इसमें मिशन में काम करता हूँ। इस देश का किसान पेट्रोल डीजल गैस तैयार करे, ये मेरा सपना है। मैं उनको बार बार इस इशू को लेकर मिलता हूँ, वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के है, डेवलपमेंट है, और किसानों में काम करते हैं, मैं उनको कभी अनेक बार मिला हूँ। और एक बात आपको बता दो, महाराष्ट्र की विशेषता यह है, आपको पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ कांग्रेस सांसद जो था वर्धा का, हमारे मित्र है वो, उन्होंने कहा था कि अगर मैं वर्धा से लड़ूंगा नितिन गडकरी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप ये आश्चर्य की बात करिए कि नितिन गडकरी भाजपा का होने के बाद उसके लिए कांग्रेस का सांसद ये कह सकता है, इसका मतलब नितिन गडकरी कितना मर्दाना दोस्त है, ये इसका मर्दाना दोस्त है, इसीलिए राज ठाकरे के पास चले गए। आप राज ठाकरे के पास चले गए इसीलिए शिवसेना बीजेपी गठबंधन? मैं आज आपके स्टूडियो में आ गया, क्या आपके बीजेपी अध्यक्ष से पूछे गए थे क्या? मैं किसी को पूछ के काम करता हूँ क्या? मैं तुम्हारे यहाँ हूँ तो क्या मैं अपने अध्यक्ष की परमिशन लेके आऊँ क्या? चैनल और पार्टी में अंतर होता है, लेकिन बात तो ऐसी है, राजनीति में मतभिन्नता विचारों के साथ होती है, मतभेद होते हैं पर मनमेत नहीं। अगर गठबंधन टूट गया होता कांग्रेस के भी नेता हमारे दोस्त हैं और सभी पार्टी के नेता हमारे मित्र हैं, जब चुनाव होगा वो उनके पार्टी की बात करेंगे, हमारी पार्टी की बात करेंगे। जैसे शिवसेना बहुत नाराज हुई आपसे, मुझे बताइए क्या, मुझे बताइए क्या सारे दोस्त हैं आपके कांग्रेस के? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, हमारे अनेक मित्र हैं सब पार्टियों में। विलास मुत्तेमवार दोस्त हैं आपके? बिल्कुल अच्छे मित्र हैं। आप क्यों ऐसा मानते? बिल्कुल अच्छे मित्र सोच रहे हैं आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, आपके दोस्त हैं 100% है। ये फिक्स चुनाव है नागपुर का? पहली बात तो ऐसी है कि आपको किसने बताया कि दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, वो दुश्मन रहते हैं ऐसा आपको लगता है? वैचारिक मतभेद भी नहीं है? देखो वैचारिक मतभेद का मतलब ये होता है किसी के घर में नहीं जाना,
वैचारिक मतभेद का मतलब ये होता है किसी के साथ नहीं बैठना, वैचारिक मतभेद का मतलब ये होता है कि किसी के साथ बात नहीं करना। लेकिन किसी को बुरा लग सकता है जो आपकी पार्टी का दोस्त है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी चीफ को बुलाया देवेंद्र फडणवीस को, उद्धव ठाकरे ने राजनाथ सिंह को नाराजगी जाहिर की, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। पांच सितारा होटल में मिलने की क्या जरूरत है? पहली बात तो आप पूरी गलत बात, आप पहले समझ लीजिए क्या हुआ। और वो मुझे कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया पार्टी को? देखो पहली बात तो ऐसी है कि राज ठाकरे मेरा मित्र है, मेरे मित्र है रहेंगे, उद्धव ठाकरे मेरे मित्र है रहेंगे, बाला साहेब ठाकरे को मेरे दिल में स्थान है रहेगा, नारायण राणे मेरे मित्र है रहेंगे रहेंगे, दत्ता मेघे मेरे मित्र है। आपने कहा आप पार्टी और कांग्रेस का गुप्त मीटिंग हुई दिल्ली के होटल में, एक उद्योगपति ने उनकी डील करवाई, आपने कहा, उसके बाद आप मुकर गए। क्यों ऐसा करते हैं आप? पहले बयान देते हैं शरद पवार वाला, बयान देते हैं फिर डील वाला बयान देते हैं, आप और कांग्रेस की डील का बयान दिया था आपने? पहली बात तो मैं मुकर नहीं गया, मैं ऐसा दमदार आदमी हूं। तो नाम बताइए कौन उद्योगपति और किससे डील हुई, बताइए। आवश्यक नहीं है बताने का, आपके ही मीडिया के लोगों ने नाम भी निकाल लिए, होटल भी निकाल लिया, चर्चा भी। तो आप तो डरते नहीं है ना, आप तो कहते हैं बताइए नाम। देखिए मेरा एक स्तर है राजनीति में, मैंने कहा देखो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ तभी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने जब कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया, और समर्थन देने के बाद ही गवर्नर ने उनको बुलाया, तो ये अलायंस गवर्नमेंट ही सपोर्टेड बाय कांग्रेस पार्टी थी। जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया तो समर्थन देने के लिए उनके बीच में बातचीत हुई, बात मैंने कही थी। डील उद्योगपति ने कराई, उस बातचीत में एक उद्योगपति मध्यस्थ के रूप में था, ये मैंने कहा था, उसका नाम पब्लिकली ओपन हो गया, और मेरा स्तर ऐसा है। मेरे मुंह से ये नाम लेना नहीं चाहता, क्यों नहीं लेना चाहते? क्या सच्चाई तो बताइए, शुरुआत कीजिए, नाम का हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं करना है, देखो मेरा स्टेचर, देखो पहली बात तो ऐसी मेरी कहीं भी बात सिद्ध हुई वो बात एस्टैब्लिश हुई, डील हुई थी, डील नहीं हुई, मैंने क्या कहा, आपने डील शब्द इस्तेमाल करवाई थी, मैंने समझौता करवाया था। देखो डील शब्द सेतु का काम किया था, देखो मैंने क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था डील के बीच में, वो जो बात हुई थी वो मैंने डील, यानी पैसे का डील हुआ, ये मैंने कभी नहीं कहा। आप जब अध्यक्ष थे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी आपकी बात नहीं सुनते थे, सही है ये? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं डरते तो थे आप मोदी से? संजय जोशी को साइडलाइन किया आपने, डरते तो थे मोदी से आप? देखिए एक बात है कि संजय जोशी के बारे में उन्होंने उस समय कहा था, उनकी नाराजगी थी, बात सच थी, उनके कहने पे तड़ी पार कर दिया संजय जोशी को आपने? कोई तड़ी पार नहीं किया। कहां आज वो बेचारे? अब वो विषय खत्म हो गया। नहीं नहीं, पर संजय जोशी ने उस समय उत्तर प्रदेश के संगठन का काम करते थे, उसको काम देने में उनकी आपत्ति थी। राज ठाकरे को आपने आखिर ऐसा क्या कहा कि अगले दिन आ गए कहने लगा मोदी जी का समर्थन कर देंगे, क्या बात हुई? आप राज ठाकरे से पूछ लीजिए। नहीं आप बताइए, हम तो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप बताइए। मैंने राज ठाकरे को जो कहा था वो आप सुन लीजिए, वो फिर आज डंके की चोट पर आपको बता रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि राष्ट्रीय चुनाव में तुम्हारे पार्टी के एजेंडे का कोई संबंध नहीं, देश आज संकटों से गुजर रहा है, आर्थिक दृष्टि से देश का बैंडबाजा बच चुका है, सुरक्षा की धज्जियाँ उड़ी है, इस समय देश को बचाना है, और देश को बचाना है तो कांग्रेस को हटाना है, और इसलिए कांग्रेस एनसीपी की जीत का किंग मेकर आप बनिए मत बनिए, और कांग्रेस एनसीपी के विरोध में जो मतदान है उसको आप डिवाइड मत करिए, इस समय आप लोकसभा का चुनाव न लड़ते हुए पूरा समर्थन एनडीए के उम्मीदवारों का करिए, भाजपा शिवसेना जो कुछ। क्यों कहा आपने ये, क्यों ऐसा लगा आपको? क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार करीब 13-14 सीटें ऐसी है जो राज ठाकरे ने जो वोट का डिवीजन किया था एमएलए से उसका हार गया। आपने सीट को लेकर क्या सत्ता में आप लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? 100% लग रहा है। क्यों, कोई लहर है क्या? मुझे विश्वास लहर है तो डर क्यों? नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। नरेंद्र मोदी किस सीट से लड़ेंगे? एक अदद सीट उनके पास नहीं है। हम उस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की एक सीट जानना चाहते हैं इस देश में क्या नहीं है। ऐसे 300 सीटें जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? निर्णय करने में समय तो लगेगा। ऐसा तो नहीं डर कि अरविंद केजरीवाल सामने खड़ा हो जाएगा, इसलिए आराम से करो, धीरे करो, देख लो। केजरीवाल से डरने का क्या कारण है? आप ही को रोका उन्होंने, केजरीवाल लड़ लेना, आप ही का रथ रोका दिल्ली में तो काय के लिए? वो तो हम कहीं से भी लड़े, हमें दिल्ली में तो दिखाई नहीं दी सत्ता ही पाई आपको। देखो लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिसमें ताकत है वहां से लड़े, क्या फर्क पड़ता है? लहर फिर भी मान रहे हैं मोदी की, निश्चित है। सभाएं में इतने जो लोग आते हैं और लाखों चेहरे आपके टीवी पर दिखाते हैं, आपको अयोध्या का दौर याद है? नकली चेहरे क्या? आपको याद है अयोध्या में कैसी भीड़ आती थी, आपको याद है? बिल्कुल याद है। उस भीड़ से ज्यादा भीड़ आपको कहीं नजर आ रही है? उससे ज्यादा आ रही है। कहां पर? आप लोकतंत्र के मायने अगर समझते हैं हमें जरा बताइए, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई बहस हुई थी पार्टी के भीतर? आप जिसका जिक्र कर रहे हैं
लाल कृष्ण अडवाणी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या 2009 में इसको लेकर बहस हुई थी? आज भी बहस नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो मान्य करेगा। मार मची हुई है, बात कर रहे नितिन जी। उस दिन सुषमा जी का 2 बजे प्लेन था भोपाल जाने का, वो बेचारी 1:15 बजे वहां से निकल गई। उसने कहा कि मुझे जाना है, मुझे प्लेन पकड़ना है। जोशी जी के एक नजदीकी रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ था, उनको हॉस्पिटल जाना था। पहले सुषमा जी चली गई प्लेन एयरपोर्ट पे और फिर वो चले गए और इसका कोई संबंध नहीं, कोई झगड़ा तो जोशी जी झगड़ा नहीं। तो जोशी जी क्यों पोस्टर छपवा रहे हैं बनारस में? अगले दिन जोशी जी जैतून के पत्तों को पकड़ के सामने मीडिया के क्या बताने के लिए आए थे, क्या दिखलाना चाहते थे वो? जोशी जी के साथ मैं मिला हूं, मैं वो क्यों मनाने गए थे उनको? मनाने गए थे आप तो क्या नितिन जी, आप सच सच बोलिए ना, आप तो मनाने गए थे उनको, बहुत नाराज थे वो। लेकिन आपकी मुस्कुराहट चीजों को छुपा नहीं, जोशी जी यहां तो आप जाते नहीं कभी, आप समझिए आपकी मुस्कुराहट अच्छी है हमने कहा, लेकिन इस देखो मैं सच बताता हूँ, मेरा डीएनए झूठ बोलने का नहीं है। देखो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी के में मालक है, मालकिन है, कुछ पार्टी में प्रोप्रेटरी कंसर्न है, वैसे हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं, अडवाणी जी की पार्टी नहीं, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी हो गई है, नरेंद्र मोदी की भी पार्टी नहीं, मोदी में हो गया पूरा, ये व्यक्तिवादी पार्टी, मोदी युग आ गया, लोकतांत्रिक पार्टी है। आप कैसा, आप डबल ढोलकी बजाते हैं। जब हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जाहिर नहीं करते थे तो आप बोलते थे इस पार्टी में झगड़े, ये प्रधानमंत्री तय नहीं। नितिन जी एक चीज बताइए, जब हमने तय किया आपको तो आजकल, उसकी पार्टी हो गई। आपको आजकल मनाने का जुम्मा बढ़ा दिया, अडवाणी नाराज होते हैं मोदी से तो हम मनाने जाते हैं, जोशी जी नाराज हो गए तो हम मनाने जाते हैं, आखिर आप क्या ये जिम्मेवारी संभाल दी कि पार्टी मनाते दिया। मनाते आपका वजन घट गया, संघ के कठपुतले कहलाए गए, आपको कहा गया कि ये अब जिस तरह से एक बिजनेसमैन एक ट्रेडर टेक ओवर कर रहा है पूरी पार्टी पर, अध्यक्ष तो आपको संघ ने पहली बात, अरे ये कि 52 की उम्र में जो आप बने और ये सबसे गलत बात ने कहा था ना आपको कि दिल्ली के बाहर का अध्यक्ष बनेगा, किसके बारे में कह रहे हैं? बात 101% गलत बात है, क्योंकि आप इसका सर्च बरोबर कराओ, आप झूठ बोल रही हो। जो संविधान आरएसएस ने नहीं कभी नहीं, आप पहला आपके लिए बदल सेकंड टर्म दिया गया। अभी देखो पहली बात समझ लो, अडवाणी जी ने अनंत कुमार को संघ के पास भेजा था कि इस बार आप ध्यान दीजिए। तब संघ में और अडवाणी जी में जो चर्चाएं हुई, तब अडवाणी जी ने कहा कि इस बार हम नए पीढ़ी के किसी व्यक्ति को हम अध्यक्ष बनाए। 4 नाम आए थे, अडवाणी जी ने सुझाए थे, पार्टी में आए थे। एक नरेंद्र जी का था, नरेंद्र मोदी जी का, एक शिवराज सिंह चौहान का था, एक मनोहर पर्रिकर का था और एक मेरा था। नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ना नहीं चाहते थे, वो मुख्यमंत्री थे। शिवराज मध्य प्रदेश में थे, वो मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ से वो निकल नहीं सकते थे। मनोहर पर्रिकर का नाम पुष्पग्रहण से थोड़ा अलग पड़ गया। फिर अडवाणी जी ने मेरे नाम का चयन किया। अडवाणी जी ने? अडवाणी जी ने, हाँ। अडवाणी जी तो विरोध में थे आपके? आप जाओ पूछ करो, आते ही आपने सबसे पहले उन्हीं को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। यही तो गलत बात है। अडवाणी जी ने कहा कि इन चारों में नितिन गडकरी का चॉइस उन्होंने किया और उसके बाद मैं अध्यक्ष बना। पर अडवाणी जी नाराज क्यों रहते थे आपसे? फिर देखिए उन्होंने चौथा नाम भेजा था, पता किसे था? पहला एक हो जाएंगे, अडवाणी जी इसीलिए नाराज थे क्या? नहीं नहीं, वो तो उसमें 4 नाम उन्होंने सुझाए थे और 4 नाम पार्टी में सामने आए थे जो नए जनरेशन में 4 नाम हो, उसमें से मैं बताता हूँ। दस्तावेज बता रहे हैं नाराज क्यों नाराज रहते थे आपसे, ये तो बताइए। पहली बात तो अडवाणी जी मेरे ऊपर नाराज नहीं है। अडवाणी जी ने बीच में मैं उनके पास गया था, जब अडवाणी जी ने एक मेरे लिए भी कहा था कि कोई कमेटी का मुझे भी अध्यक्ष बनाओ, तब मैं उनके पास गया था और मैंने अडवाणी जी को कहा कि आज आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अडवाणी जी मेरे लिए भगवान जैसे, अटल जी और अडवाणी मेरी प्रेरणा स्त्रोत्र है। तो उन्होंने कहा क्या? बोला अडवाणी जी मैं 35 साल आपके पास आया हूँ, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, आज पहली बार आया हूँ, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं केवल उनके आशीर्वाद से समाधानी हूँ। अटल जी और अडवाणी जी के दोनों फोटो मेरे ऑफिस में मेरे सामने रखे हैं, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, दूसरी दोनों फोटो है। नहीं, आपकी कार्यशैली को लेकर बहुत नाराज रहते थे वो? मेरे कमियां होगी इसलिए नाराज। सियासत के बड़े धनी शख्स हैं। मुझे पता नहीं आप क्या समझते आपने हो। आपने जो अभी बिसात बिछाई उसमें हर कोई प्यादा लग रहा है और लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में जो देश की स्थिति बनने वाली है उसमें नितिन गडकरी वजीर के तौर पर नजर आएगा, ये सही है क्या? हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए सब कुछ करिए मत करिए। इसका कारण ऐसा है कि इसी फीलिंग ने मुझे बहुत नुकसान करा है। ये फीलिंग कब कब जागी आपने? देखो पहली बात तो ऐसी कि मैं देश में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। पर नाम चला था, मैंने कभी इंटरव्यू में नहीं कहा मुझे बनना नहीं है। और आपको ये भी बात बता देता हूँ, जब जब मेरी पार्टी को लगेगा, जब जब मेरे संगठन को लगेगा, मेरे से जो भी कुर्बानी हो सकती है देने के लिए मैं तैयार हूं। कंसेंसस कैंडिडेट के नाम पर बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ पार्टियां अटक गई तो आप जाते हैं, राज ठाकरे मान जाते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि आपका मुस्कुराता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता नहीं। भागवत जी का बड़ा प्रेम है आप पे।
मेरे पर तो आपका भी प्रेम है। नहीं, पर अडवाणी जी, एक बात पक्की है, पर आप देखो, जो मुझे मिलता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरा मित्र बनता है, वो चाहे किसी भी पार्टी और किसी भी विचारक को, मेरा जन्म भर अच्छा साथी बनता है। पॉलिटिक्स है या बिजनेस है? कौन सा? जो मित्र बनता है किसी भी पार्टी में रहता है, धंधा मित्र हूँ, जिसका हाथ पकड़ता हूँ खड्डे में चला जाए तो भी छोड़ता नहीं। पर असली चीज, एक बार आपका दोस्त बन गया और आप कितना भी गलत काम करो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अडवाणी पार्टी में अनेक लोग संकटों में आए, पर नितिन जी, नितिन गडकरी उनके पीछे खड़ा रहा। मैं ये नहीं सोचता मेरी इमेज का क्या होगा, मैं लोग क्या कहेंगे। अडवाणी जी, अब क्यों आपके फेवर में? अडवाणी जी क्यों फेवर में? दुश्मन बनने पर नहीं, मैं दुश्मनी मानता ही नहीं। फिर दिक्कत है, फिर सभी दोस्त है। नहीं देखिए, जिसका हाथ थामा वही दोस्त है। विचारों के कारण मतभिन्नता विचारों के द्वारा होती है। देखो, सोनिया जी है, राहुल जी है, वो अच्छे लोग हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पर भ्रष्टाचारियों का भी साथ देते होंगे आप? कोई है आपके पास पुरावा? नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि अगर किसी पर आरोप भी लगता है तो जो काम मैंने देश में किया वो एक भी राजनीतिक नेता ने नहीं किया है। आप किसी का रिकॉर्ड निकाल लो। 3600 करोड़ रुपए का लोएस्ट टेंडर मुंबई पुणे हाईवे का, जो कानून से मैं दे सकता था, वो रिजेक्ट करे, वो काम मैंने 1600 करोड़ में किया, 2000 करोड़ बचा। पर आपने एक काम किया है, 1800 करोड़ के फ्लाईओवर, 1000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट से कम, इतनी बचत किसने नहीं की? पर आपने एक काम तो किया नितिन जी। एकमात्र आप ढूंढ लेना मेरा सब सर्वे, नितिन जी एकमात्र नेता हूँ जिसकी क्रेडिबिलिटी पर 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े किए, और ईमानदारी से मैंने 8000 करोड़ के काम किए, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं, 1 रुपए का आरोप नहीं। और आपको पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी को बता देता हूँ मैं, आपको आज आपको बता देता हूँ, आपको अंधेरे में कोई व्यक्ति मिल जाएगा और आपको बता देगा कि गडकरी ने मेरे से काम के लिए पैसे लिए, मैंने भ्रष्टाचार किया, तो आप मुझे बिना प्रूफ बता दो, आप बोलो वो सजा भुगत लूंगा। राजनीति पर एक काम आपने किया नितिन जी, आप नोटिस क्यों भिजवाते हैं? आपके ऊपर आप जज नहीं, आप नोटिस पे नोटिस क्यों भिजवाते हैं? खेती बंद करवा दी, शुगर कारखाने खुलवा दिए, क्या ये स्थिति है इस देश की? क्या स्थिति बना रहे हैं आप? बता नहीं, आप कहते हैं उनकी प्रति आय बढ़ जाएगी। आप देखो, पश्चिम महाराष्ट्र में आज कोल्हापुर जिले में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, इसका कारण वहाँ इरीगेशन है और गन्ना होता है। कॉटन प्राइस मैकेनिज्म कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और गन्ना लगाने बाद किसान का उत्पन्न बढ़ेगा, इसलिए 22 शुगर फैक्ट्री दिवाला पीटा था। मैंने कंक्रीट का हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम किया, मैं बिल्डर डेवलपर बन सकता था। आप पार्टी तो भ्रष्ट नेताओं की सूची में आपका नाम डाल दिया, तो करोड़ों रुपए कमाता था। भ्रष्ट नेताओं की सूची में तो आपने, आप पार्टी ने आपका नाम डाला है। अरे वो क्या है, आह्वान कर तो मैंने कहाँ भ्रष्टाचार किया, मैंने किससे पैसे लिए और किसको दिए, आप नोटिस आप सिद्ध करके दो। मैंने तो क्रिमिनल नोटिस दिया। नोटिस तो आपकी खूबी है, हर किसी को नोटिस दे देते हैं। क्या करो आप, अगर आप अगर खाली डराते हो, लेकिन नोटिस डराते हैं। बीजेपी का हो इसलिए डराता हूँ, नहीं तो मैं तो बिल्कुल, आप मेरे जैसा आदमी नहीं देखा कभी। मैंने मैं जवाब दे सकता हूँ कैसे, मेरी पार्टी के कल्चर को वो परमिट नहीं होता, इसलिए मैं बड़े चुपचाप कैसे जवाब देते, कैसे? वो आपको नहीं बता, नहीं बता दीजिए ना आप। आगे मैं दमदार आदमी हूँ, आप मेरे कोई आड़े आ ही जाए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो भागने वाला है। मैं जानता हूँ कैसे जवाब देना, पर आज इस पार्टी का मैं इतना कद्दावर नेता बन गया कि मेरी पार्टी, मेरा डीएनए पार्टी का और कल्चर ये परमिट नहीं करता। और जब तुम्हारे पर झूठे आरोप करेंगे, कोई करेंगे क्या? आखिर क्या, अभी मुझे बताओ, कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी थे, उनके ऊपर अभी केस की मैंने, बेचारे आकर मुझे कहे कि भाई मेरे से गलती हो गई, छोड़ दो, छोड़ दिया। मनीष तिवारी ने माफ़ी मांगी? हाँ, आखिर मिले थे, अभी वो कोर्ट में केस वो आकर वो कहेंगे, पर उनने कहा कि भाई इसको छोड़ दो। मैं बोला ठीक है छोड़ दो। केजरीवाल माफ़ी मांगने आएगा आपके पास? मैं थोड़ी चाहता हूँ। आप चाहते हैं जेल में चला जाए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं। तो किस लिए नोटिस? क्या चाहते हैं? तो उन्होंने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो वापस लेने चाहिए। अगर किए तो सिद्ध करना चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं है तो वापस क्या करेंगे? नहीं लिए क्या करेंगे? नहीं लिए वापस लेने चाहिए उन्होंने। नहीं लेंगे क्या करेंगे आप? केस करूंगा। फिर केस आपने किया? किया है। फिर आगे? आगे लड़ूंगा। जेल भिजवाना चाहते हैं? जेल भिजवाएंगे कि नहीं? अगर एक तो आरोप सिद्ध करें। नहीं, वो कहाँ कर रहे हो, तो बोल दिया कि मैंने मान लिया कि आप भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्ट हैं। तो ठीक है, कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट में चलेगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप उनके लिए, लोगों को मना रहे हैं, और नितिन गडकरी को क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वो पीएम बने तो आप? नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जिसका आदर्श दीनदयाल उपाध्याय को मानता हूँ मैं, नानाजी देशमुख को मानता हूँ, कुशाभाऊ ठाकरे को मानता हूँ। और मेरे एक्सीडेंट के बाद 2004 साल में मेरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं अपने जीवन के 25-30 साल जो अच्छे हैं वो समाज के लिए, देश के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए देना चाहता हूँ। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। नितिन जी, एक सवाल ये है कि आप कहा करते थे जब अध्यक्ष से कि सुषमा, जेटली, राजनाथ सिंह, अडवाणी तमाम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और चुनाव की बात तय होगा, अब क्योंकि मोदी हो गए हैं, क्या इन चारों का भविष्य है, अडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा जेटली, इनका भविष्य खत्म है प्राइम मिनिस्टर के रूप में? अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, नो वैकेंसी पार्टी में? पहली बात तो ऐसी है कि पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिसके मेंबर सुषमा जी है, अरुण जी है,
अडवाणी जी हैं उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में, हमने निर्णय किया है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। तो इन चारों के लिए रास्ता बंद? जब हमने सबने मिलकर निर्णय किया कि वो हमारे राजनाथ सिंह जी उसमें हैं, हमने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के मान नरेंद्र मोदी है। एक सवाल, दूसरे का नाम दंगों को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र मोदी जिसको आप प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किए हैं, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी क्यों नहीं माफी मांग लेते और क्यों नहीं आप कोशिश करते माफी मांगने की? ऐसी है कि राजनाथ सिंह जी के बारे में स्टेटमेंट छापा हुआ गलत है, उन्होंने उस प्रकार से नहीं कहा था। दूसरी बात, माफी क्यों मांगे? मुझे आप, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, गुजरात से ज़्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, गुजरात से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज़्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज़्यादा इनकाउंटर कम और ज़्यादा सवाल नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी। आप क्यों नहीं अखिलेश यादव को टारगेट करते हो? आप क्यों नहीं उस समय शरद पवार को टारगेट किया? तब आपने क्यों नहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को टारगेट किया? आप केवल नरेंद्र मोदी के पीछे बिल्कुल एक तरफा पूरे लगे हुए हो, ये कौन सा कारण है? आपका नरेंद्र मोदी के लिए एक नियम और दूसरे के लिए दूसरा नियम? हर घर शीशे का है। हाँ, हर घर शीशे का है। देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ आपको, कोई दंगा कोई मुख्यमंत्री नहीं कराता, ना कोई सरकार करती। दंगा इज एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स, इसको कोई रोक नहीं। खुले तौर पे आरएसएस ने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया है, माफी नहीं, जश्न की बात है, ये हमने प्रतिक्रिया दी है। क्या बात करते देखो, हैं आप? देखो मैं और इसका जिक्र किया, आप अधूरे वाक्यों को मिसइंटरप्रेट करने में आप लोग तो पीएचडी हासिल कर चुके हैं। जब कर रहे हैं मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखो, मोदी ने कोई गलत काम नहीं किया, और गलत काम नहीं किया तो माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। नागपुर में आपकी जीत के साथ बीजेपी का झंडा लहराएगा, भरोसा है? नागपुर में मेरी जीत 100% हो गई। जीत होने के बाद मैं आपको मिलने के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।